नमस्कार दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर मैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए आई हूँ। और स्टार्ट हो जाइए आप लोग अपने नोट्स और पेन लेके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूज़पेपर इस तरह। बहुविवाह और हलाला पर संविधान पीठ करेगी विचार। तीन तलाक के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। अभी जो हमारा अभी रिसेंट में एक फैसला आया था तीन तलाक के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका दायर की थी और तीन तलाक रिफ्यूज़ कर दिया था, जिससे महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा सुकून प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं और अब देखते हैं, तीन तलाक के बाद सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों ने जो फैसला लिया है, संविधान पीठ में जो पांच न्यायाधीशों ने बहुविवाह, निताब विवाह, निस्सहार विवाह, इन सब के ऊपर एक याचिका दायर की है। सायरा बानो ने तीन तलाक के खिलाफ कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। उसके तहत हम लोगों को तीन तलाक के लिए बहुविवाह की बात करें तो मुसलमानों में कोई भी व्यक्ति चार बीवियां रख सकता था। इसी के अंगेज़ जाके हमारी महिलाओं, मुसलमान महिलाओं ने बहुविवाह, नुताब विवाह और निसार विवाह के लिए भी बहुत कुछ बोलने के लिए अपनी याचिकाएं दाखिल की हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाने के लिए तत्पर हो रहा है। और इसी के चलते आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। रौनक वर्मा बने CNH इंडस्ट्रियल कंट्री के मैनेजर। CNHS इंडस्ट्रियल कंट्री में रौनक वर्मा भारत और सार्क देशों के लिए कंट्री मैनेजर नियुक्त करने के लिए घोषणा की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ जागरण रहता है न्यूज़पेपर में जो अर्थ जागरण वाला पोर्शन होता है, उस पे मोस्टली न्यूज़ हम अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके ज़रिए हमने अपने एक नोट्स के लिए एक अलग से नोट्स रेडी करना पड़ेगा इकोनॉमी करके, जिससे कि आपकी करंटली इकोनॉमी रेडी होती चली जाएगी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में 67 में पायदान पर है हमारा भारत। भारत में बढ़ रही स्पीड, नवंबर 2017 में देश की औसत ब्रॉडबैंड स्पीड 18.182 एंड फरवरी में 20.72 Mbps हो गई थी। पिछले साल इस सूची में भारत 76 का स्थान मिला था, लेकिन इस साल 67 में पायदान पर है। इस साल में 9 पायदानों की छलांग लगाई है भारत ने। आज हमारा विश्व रंगमंच दिवस है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे आर्थिक मंच पर बहुत सारे रंगमंच प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे। आज ही के दिन पॉलीथीन की खोज हुई थी 1933 में, जो दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने की थी। और इनके तहत बताया गया था कि पॉलीथीन बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन आज की डेट में पॉलीथीन को बैन करने के लिए सरकार सारे जद्दोजहद कर रही है। आज ही के दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण हुआ था 1899 में, जिसमें जी मॉर्कोनी ने रेडियो प्रसारण पर पहली सफलता पाई थी।